कसौली में हुई हत्या के बाद प्रदेश में कांग्रेस भाजपा पर लगातार हावी होती नजर आ रही है। कांग्रेस जहां एक ओर प्रदेश में रोष प्रदर्शन कर हिमाचल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा की असफलताओं को उजागर करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व प्रदेश कांग्रेस के महासचिव संजय अवस्थी ने कहा कि भाजपा कार्यकाल के 100 दिनों में प्रदेश के भीतर दहशत का माहौल देखा गया है, जिसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हर जिले में भय का वातावरण है। यही वजह है कि जहां एक ओर प्रदेशवासियों में दहशत देखी जा रही है, वहीं हिमाचल में पर्यटक भी आने से कतराने लगे हैं, जिसके चलते पर्यटन की पीक सीजन में भी ज्यादातर होटल खाली नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महासचिव संजय अवस्थी ने कहा कि भाजपा के 100 दिनों के कार्यकाल में जहां एक और 75 रेप केस और 25 हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं, वहीं 100 दिनों के भीतर दो बार प्रदेश में धारा 144 लगाने की नौबत भी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि कसौली में एक महिला अधिकारी की हत्या हो जाती है, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इलाके के लोग दहशत में हैं, लेकिन कसौली विधानसभा क्षेत्र के मंत्री राजीव सहजल ने इस मामले पर न जाने क्यों चुप्पी साध रखी है, जो एक शर्मनाक बात है। जिस तरह की घटना कसौली क्षेत्र में एक महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उनकी दिन दहाड़े हत्या की गई, और इन 100 दिनों की भाजपा सरकार के कार्यकाल में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी भी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश में धारा 144 दो बार लगानी पड़ी। दूसरी बात तो भाजपा सरकार के इन 100 दिनों के कार्यकाल में लगभग 25 मर्डर और 75 रेप केसेस जो है इन 100 दिनों के कार्यकाल में सामने आए हैं। ये साफ दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है जनता का विश्वास खो चुकी है और गवर्नेंस के मामले में बिल्कुल पूर्णता फेल हुई है। हिमाचल प्रदेश में जो सोलन जिला के एकमात्र मंत्री के स्थानीय क्षेत्र में गृह क्षेत्र में ये घटना हुई और उनका अभी तक इस घटना को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है, ये भी एक बड़े शर्म की बात है।